धूमधाम से मनाया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिवस। वाह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन माथुर वैश्य धर्मशाला में जोर जोर से मनाया गया। सभी सपाइयों ने कोविड-19 का भी ध्यान रखा। इस दौरान सपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। माथुर वैश्य धर्मशाला में प्रदेश सचिव वनिंद्र यादव के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान अवनींद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वह गरीबों एवं मजलूमों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता से करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, विधानसभा में गुटबाजी का काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हम सब सपाई हैं और हम सबको मिलकर एक साथ अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। इस बीच वहां उपस्थित प्रदेश सचिव अवनींद्र यादव, एडवोकेट रविकांत मिश्रा, लला गुर्जर, दिवाकर सिंह गुर्जर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, अल्पसंख्यक सभा जिला अध्यक्ष आदिल बेग मिर्जा, पप्पू यादव, राम कुमार फौजी, राम सिंह आजाद, विनय यादव, अरविंद यादव, पप्पू अंसारी, सिराजुद्दीन, विजय गुर्जर, धर्मवीर गुर्जर, अखिलेश तिवारी, राकेश धनगर, संतोष बरुआ, पंछी यादव, अनिल बरुआ, डॉक्टर आशीष, जिला पंचायत बनी सिंह राजपूत आदि सपाई मौजूद रहे। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर, नीरज धनगर की रिपोर्ट। लेकिन मेरा एक लंबा अनुभव है बाहर विधानसभा को लेकर, मैं सबको जानता हूँ। जो बड़े हैं उनके बिल्कुल दिल से आदर करते हुए, छोटे हैं उनको प्यार से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सारे लोग मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं लगता। और बाहर विधानसभा में एक लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मेरी सोच व्यक्तिगत थी कि हम सारे लोग मिल बैठ के बात करें। हम लोग इस जन्मदिन बाद मनाने के बहाने से सारे लोग बैठे। मैंने कई लोगों को फोन भी किया, कई अपने साथियों से निवेदन किया कि आप 10 लोगों से कह देना, आप 20 लोगों से कह देना, कोई 5 लोगों से कह देना। मुझे खुशी इस बात की है कि इस विधानसभा के जो पुराने साथी थे, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत आस्थावान है, नए लड़के तो नहीं है, लेकिन जो पुराने साथी थे, जो माननीय नेताजी के टाइम से, कई लोग पंडित सेवाराम शर्मा के टाइम से जो लोग पार्टी में लगे हैं, जैसा कि मैंने कहा मुझसे कई गुना ज़्यादा उनकी अपनी लगातार भागीदारी है समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में। मैं ऐसे सारे लोगों का हृदय की अनंत गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। ये आगरा है ना, ये आगरा बहुत अच्छी जगह नहीं है, वैसे तो प्रेम और प्यार के नाम से जानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक लंबे समय से जिसको जिम्मेदारी आगरा की दी जाती है, वही शख्स कहीं ना कहीं इससे बाहर विधानसभा से कहीं ना कहीं दौरा आचरण करने का काम करता है। मुझे पता नहीं कि क्या मानसिकता रहती है, जबकि पार्टी बाहर ऐसे ऐसे तमाम लोग बन जाते हैं पदाधिकारी कभी कभी, तो अपात्र होती, लेकिन राजनीति ऐसे खेल है जिसमें कई बार अपात्रों के हाथ में डबुल लग जाता है, फिर वो डबुल के अलावा कोई बजा नहीं पाता। ये हमारे जो लोग हैं, आप लोग हैं, किसी को मैं गुमराह कर देता हूँ, किसी को दिवा करके गुमराह कर देते हैं, किसी को आजाद जी गुमराह कर देते हैं, किसी को मिश्रा जी गुमराह कर देते हैं। मैं अपनी सबसे बड़ी गलती अपनी मानता हूँ कि अब तक जो कुछ हुआ है के लिए कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको बाहर विधानसभा में ही रहना है और मुझे आगरा रहना है। आगरा के लोग इतने चतुर हैं कि आपको लड़ा के खुद आगरा में ठंडी एसी में बैठते हैं और आपको उल्लू बना के यहाँ ग्रुप बंदी करके उठवाजी पैदा कर देते हैं कि तुम उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, जैसे पार्टी नहीं चलती। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, हम सारे संकल्प करें पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विचार पहुंचाए, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने की संकल्प लें, प्रतिबद्धता लें। लेकिन उसके साथ साथ मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब ये आगरा से आने वाले लोग जब आपको गुटबंदी में बांटने का काम करें तो गाल पर थप्पड़ जरूर मारने का काम करना। जी का जन्मदिन मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, मेहनत कश लोगों के
इकलौते नेता, इकलौती आशा के केंद्र बिंदु माने अखिलेश यादव जी का आज 48वां जन्मदिन था और मुझे खुशी है कि बहा विधानसभा के तमाम सम्मानित सीनियर और जूनियर तमाम साथियों ने बृहद स्तर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मोत्सव मनाने का काम किया और मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका मिला। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करना चाहती है या धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है या लोगों के जो लोक कल्याण के काम हैं उनको न करके केवल धार्मिक अंधता की दौड़ में उत्तर प्रदेश को झोंक कर अराजकता की आग में जलाना चाहती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे निर्वाचन से संबंधित जिला पंचायत के अभी चुनाव हुए हैं, बड़े स्तर पर जिला पंचायत सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के रूप में जीत दर्ज की, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करने के करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित सुशासन के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से जिले के कलेक्टरों और कप्तानों को आदेशित किया और जबरन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 60 और 65 जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सियों को हत्याने का आदेश दिया है। विधानसभा 2022 के लिए क्या तैयारियां? मुझे लगता है कि जिस व्यापक पैमाने पर जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता ने किया और जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत देने का काम किया, मुझे लगता है वो सेमीफाइनल था। समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल भी जीती है और फाइनल भी 2022 में जीतेगी। निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2000 जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी ने किसी को भी नामांकित नहीं किया जनपद आगरा से, ऐसा क्यों? मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये संगठन की कमजोरी थी कि आगरा जैसे बड़े शहर जिले में समाजवादी पार्टी का नामांकन तक नहीं हुआ और उसी की कहीं ना कहीं सजा जो जिम्मेदार लोग थे उनको मिली है। समाजवादी पार्टी में जो काम अच्छा करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है और जो काम अच्छा नहीं करते हैं कहीं ना कहीं उनको दंडित करने का काम भी हमारा नेतृत्व करता है। ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में 11-12 जगह जहाँ जहाँ इस तरह की हरकत हुई थी वहाँ पे जिले के अध्यक्षों को कहीं ना कहीं हटाने का काम करके ये संदेश दिया समाजवादी पार्टी ने कि जो काम करेगा वही पदों पे आसीन रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर बैठने का काम। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।